सुनने और देखने वालों को बशर नकवी का सलाम। दोस्तों, आज आप लोगों के लिए एक जबरदस्त प्रोग्राम लेके आए हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि ख्वाब क्या है, ख्वाब कैसे पूरे होंगे। इसमें हम जादू की छड़ी चलाएंगे, हम आपको बताएंगे कि लफ्ज ख्वाब, लफ्ज ड्रीम आपको खुद बता रहा है, चीख चीख कर बता रहा है कि सिर्फ मेरे मतलब, सिर्फ मेरे मैनी, सिर्फ मुझे सर्च कर लो, लफ्ज ख्वाब को सर्च कर लो, सिर्फ लफ्ज ड्रीम को सर्च कर लो, आपको आपकी कामयाबी मिल जाएगी, आपको आपके ख्वाब मिल जाएंगे, आपकी जो प्लान है दिमाग में, इज्जत शोहरत पैसा मिल जाएगा। इससे पहले कि हम ये अपना छोटा सा प्रोग्राम स्टार्ट करें, मैं अपने तमाम व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करता हूं मेरे यूट्यूब फेसबुक चैनल सक्सेस विद मुबशर को सब्सक्राइब करें और साथ लगे बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अच्छा दोस्तों, आज हम लव्स ड्रीम को सर्च करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि लव्स ड्रीम को डी आर ई ए एम एस ड्रीम्स, ख्वाब, हर शख्स ख्वाब देखता है, लेकिन जो ख्वाब मैं आपको दिखाऊंगा वो ख्वाब आपको रात को सोने नहीं देंगे, वो ख्वाब दिन में आपको चैन नहीं लेने देंगे। ख्वाब, इज्जत हासिल करना हमारा ख्वाब है, शोहरत हासिल करना, पैसा कमाना हमारा ख्वाब है। हर शख्स की ख्वाहिश होती है कि ये मंजिल मेरा ख्वाब है, ये तरक्की मेरा ख्वाब है, ये लग्जरी लाइफ मेरा ख्वाब है। इन ख्वाबों को पूरा करने के लिए हम देखेंगे सबसे पहले ड्रीम। ड्रीम में, ड्रीम का लफ्ज हमें बताता है डेडिकेशन। कोई भी चीज है, कोई भी प्लान है, कोई भी आपका ख्वाब है, जब आप उसको देख लेते हैं तो आपको याद रखें कि डेडिकेशन के साथ, लगन के साथ जुड़ जाना है आपने। आपने अपने प्लान के साथ, अपने टारगेट के साथ, अपनी मंजिल के साथ जुड़ जाना है। आपने ढीली नहीं छड़नी सर, ढीली नहीं छड़नी। अगर अपने ख्वाबों को हासिल करना चाहते हैं तो आपने जुड़ जाना है। नंबर टू पे आएगा जी ड्रीम में ड्री आर, आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी। याद रखें, जब हम कोई ख्वाब देखते हैं, कोई एक्शन प्लान कोई डिसाइड कर लेते हैं तो देन उसके ऊपर जो भी आपकी प्लानिंग के मुताबिक एग्जीक्यूशन होती है, जो भी आप वर्ड बोलते हैं या एक्शन लेते हैं, आपको उनको ऑन करना जरूरी है। अपने लफ्जों को, अपने एक्शन को ऑन करना सीखें, ये एक कामयाब मैन ऑफ वर्ड बना देगा आपको। दूसरा लफ्ज था आर। नंबर थ्री पे हमारे पास डेडिकेशन, डी फॉर डेडिकेशन, आर फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन। ड्रीम में अगला लफ्ज है ई, ई स्टैंड फॉर एजुकेशन। किसी भी चीज की, जो भी आपका प्लान है उसके ऊपर जब आप एग्जीक्यूट करते हैं तो आपको उसकी मुकम्मल स्किल्स होनी चाहिए, आपको उसमें मुकम्मल अबूर हासिल होना चाहिए, उसकी तमाम चीजों का आपको अवेयरनेस होनी चाहिए, आपको नॉलेज होना चाहिए। ये ड्रीम में तीसरे नंबर पे था। उसके बाद ड्रीम में आएगा हमारे पास ए, डी आर ई ए। जब ए को हम सर्च करेंगे तो हमारा एटीट्यूड है, याद रखें हमेशा पॉजिटिव रहना है। हमने बड़ों से सुना है जैसी सोच वैसा ही उसके मंजिल मिलती है। हम लोगों ने देखा है कि एक एटीट्यूड जो है वो इंसान को कहां से कहां ले जाता है। एक एटीट्यूड ही है जो किसी भी जंगल में एक छोटे से शेर को उसके एटीट्यूड की वजह से बादशाह बना देता है। एक शेर जब अपने किसी भी चीज को, शिकार को देखता है, चाहे हाथी को ही क्यों ना देखे, उसके जहन में होता है कि ये मेरा शिकार है। जब उसको जहन में होता है शिकार है, वो उस तरह बिहेव करता है, उसको अटैक करता है, उसको बोलता है, जो उसका बिहेवियर जो है उसको बादशाह बना देता है। इसलिए अपना एटीट्यूड पॉजिटिव रखना है आपने। उसके बाद हमारे पास आएगा जी एम, एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन। योर मोटिवेशन लेवल मस्ट बी हाई, आपको इंस्पायर होना चाहिए अपनी कामयाबी के लिए। आप लोगों का मोटिवेशन लेवल, एक जज्बा जो होता है हमारा, जनून जो होता है, तो हमने वो सुना ना है, जज्बा जनून तो हिम्मत ना हार, तो वही बात मैं आपको बता रहा हूं। जज्बा जनून, कुछ कर गुजरने का हौसला, कुछ कर गुजरने का जज्बा आप में होना चाहिए। जब आप में ये होगा तो आप कामयाब होंगे, आप अपने ख्वाबों को पूरा करेंगे,
उसके बाद लास्ट पे आ जाएगा हमारे पास ही एस, एस स्टैंड फॉर सक्सेस। हर शख्स ने अपनी मंजिल अपनी सोच के मुताबिक, हर शख्स ने अपनी मंजिल अपनी औकात के मुताबिक, हर शख्स ने अपनी मंजिल अपनी हैसियत के मुताबिक बनाता है। कोई अपनी मंजिल को इज्जत, कोई अपनी, किसी की मंजिल इज्जत है, किसी की मंजिल शोहरत है और किसी की मंजिल पैसा है। ये सब मिलेगा जब हम डी आर ई ए एम एस, डी स्टैंड फॉर डेडिकेशन, आर स्टैंड फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसके बाद ई स्टैंड फॉर एजुकेशन, ए स्टैंड फॉर एटीट्यूड, एम स्टैंड फॉर मोटिवेशन और नंबर सिक्स पे एस स्टैंड फॉर सक्सेस। ये जब हम इन तमाम चीजों के ऊपर, ड्रीम के लफ्जी मायने के ऊपर अमल करेंगे, हार्डवर्क करेंगे, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, उसके लफ्जों को अपने अंदर सिरायत कर लेंगे, तो आप अपने ख्वाबों को पूरा कर सकेंगे। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब आपको ये फील हो कि दिन में आपको सुकून नहीं मिल रहा अपने ख्वाबों की वजह से, रात में आपको अपने ख्वाबों की वजह से नींद नहीं आ रही, तो याद रखें कि कामयाबी आपका मुकद्दर है। अगली वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दें। मेरी ये छोटी सी वीडियो, ख्वाब कैसे पूरे होंगे, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, इसमें कमेंट करें। अगले वीडियो तक अपने होस्ट मुबशर नकवी को इजाजत दीजिए। स्टे ट्यून्ड विद मी। अल्लाह हाफिज़।